मैं तुम पे कोई खर्चे करो। काश इनके पास ICICI बैंक का एडवांस्ड इंटरनेट बैंकिंग होता तो ये उसके मनी मैनेजर से अपने खर्चे कैटेगराइज करते, बजट और पेमेंट अलर्ट्स पाते और आराम से खर्चा कंट्रोल करते। सर, 3 बुक और लेंगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। रियली? सो द लेटेस्ट इश्यू ऑफ फोर्ब्स इंडिया ऑन स्टैंड्स नाउ। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है एशियन पेंट्स, फिएट विद पैशन, ब्लैकबेरीज मेंसवेयर और हुंडई i10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। अभिषेक, पिछले रविवार को मुंबई में टेड एक्स गेटवे नाम का एक इवेंट हुआ था। ओके, टेडी बेयर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, टेड इज बेसिकली अ वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस। ओके, टेड स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिजाइन। ओके, उसका एब्रीविएशन है। एंड इसमें होता यह है कि दुनिया भर के दिग्गज, कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी माइंड्स, इनोवेटर्स जिन्होंने कोई नई चीज इन्वेंट की है, इनोवेट की है, बनाई है, कोई ऐसी चीज के है जिससे अपने आप को ही नहीं या एक किसी स्पेसिफिक ग्रुप या सोसाइटी को नहीं बल्कि समाज को फायदा होता है। ऐसे लोग आके अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, अपना ज्ञान शेयर करते हैं। तो इसके इंडियन चैप्टर में मुंबई शहर में टेडेक्स गेटवे नाम का एक इवेंट हुआ था जहां पर 14 से 15 मातब्बर लोग आए हुए थे। उनमें से वन ऑफ देम वाज मिस्टर टुली जो डेटावेंड नाम की कंपनी चलाते हैं, जिन्होंने आकाश टैबलेट बनाया है। और टुली जी ने जो वहां पर ज्ञान शेयर किया कि आकाश कैसे बना, क्या उद्देश्य था उसके पीछे, और 2012 में आने वाले दिनों में महीनों में मोबाइल फोन पर इंटरनेट वो कैसे रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। इफ मिस्टर टुली हैज हिज वे 2012 में, अभिषेक, मोबाइल फोन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हमें एक पैसा खर्च नहीं करना क्या पड़ेगा। बात कर रहे हैं? एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें याद होगा कुछ सालों पहले डेटावेंड ने पॉकेट सर्वर नाम का एक डिवाइस लाया था जिसे हमने टेक गुरु पर रिव्यू भी किया था और ये कहा था दावे के साथ कि ये तब दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट ब्राउजिंग हैंडहेल्ड डिवाइस था। ये वो लोग कर पाते हैं एक स्पेसिफिक डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, जहां पर वो वेब पेजेस को कंप्रेस कर इस कदर कैश करके रख रहे हैं कि व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग इंटरनेट, जब आप कोई वेब पेज देख रहे हैं तो लगभग 40-60% लेस डेटा यूजेज होता है। यानी लेट्स से अगर एक वेब पेज लोड करने में मुझे 1 MB डेटा कंज्यूम हो रहा है तो अगर डेटावेंड की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अगर इस्तेमाल की तो उसमें कुछ 400 या 600 KB ही एग्जैक्टली बाकी सब सेव होगा। एग्जैक्टली, तो आपकी इतनी ज्यादा बचत होती है दैट इट्स वर्चुअली फ्री, वर्चुअली फ्री। तो यूके में तो इन्होंने डेटा यूजेज मोबाइल फोन पर पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और सस्ता मतलब एब्सोल्युटली फ्री इंटरनेट देते थे वो पॉकेट सर्फर डिवाइस के साथ। तो देखते हैं 2012 में मिस्टर टुली, आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड वी होप यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि 2012 में इंडिया में मोबाइल फोन पर इंटरनेट को अगर आप फ्री कर सके तो गॉड नोज क्रांति आ जाएगी। पर मोबाइल फोन पर इंटरनेट के लिए अभी ऑप्शन तो ये है अंकित कि किसी सर्विस प्रोवाइडर या सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदा जाए और कोई सस्ते नेटवर्क के ऊपर सस्ता इंटरनेट प्लान लेकर आप इंटरनेट का मजा अच्छी लीजिए। स्पीड के इसी तरीके से MTS जो कि नया सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, उसने 2 एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और उनके हिसाब से ये भारत के सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले। आइए देखते हैं, मंगेश ने रिव्यू किया है इन दोनों MTS फोन्स को, इनमें से कौन सा आपको खरीदना चाहिए। ये है MTS LiveWire। लुक्स और फीचर्स के मामले में MTS LiveWire HTC Wildfire जैसा ही लगता है, बस इसकी स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा है। MTS LiveWire में 2.8 इंच की रेजिस्टिव टच स्क्रीन दी गई है। ये फोन गूगल के एंड्रॉइड 2.2 प्रो वर्जन पर चलता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 3 MP का कैमरा दिया गया है। इन सब फीचर्स के अलावा MTS LiveWire का सबसे खास फीचर है MTS TV, जिस पर आप दिन भर ढेर सारे TV चैनल्स ऑन द गो देख सकते हैं और वो भी सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड पर, जिसके कारण वीडियो बफर नहीं सीधे प्ले होते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो MTS LiveWire में Wi-Fi, मोबाइल हॉटस्पॉट और AGPS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
MTS लाइव वायर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के नेटवर्क प्लान्स में मिलता है। इसके प्रीपेड वर्जन की कीमत है 5,000 रुपए। इसमें हैंडसेट और एनुअल प्लान शामिल है। इस प्लान के तहत आपको हर महीने 150 कॉल्स, 150 SMS और 150 MB का डेटा यूजेस फ्री मिलता है। वहीं इसके पोस्टपेड वर्जन की कीमत है 3,499 रुपए, जिसमें आपको हर महीने 249 रुपए का बिल चुकाना पड़ेगा और आपको हर महीने 249 SMS और 249 कॉल्स और 249 MB का डेटा यूजेस फ्री मिलेगा। MTS लाइव वायर को टेक गुरु रिव्यू मीटर पर हम देते हैं 2 DG पॉइंट्स, यानी MTS लाइव वायर को आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अब बारी MTS के MTech 3.1 की। फीचर्स के मामले में MTech और लाइव वायर में कुछ खास अंतर नहीं है। फर्क है तो ये कि MTS MTech में 2.8 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी गई है, जो काफी रिस्पॉन्सिव है। ये भी एंड्रॉइड को 2.2 प्रो वर्जन पर ही चलता है। फोटोग्राफी के लिए MTS MTech में 3 MP का कैमरा दिया गया है। ये फोन भी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के नेटवर्क प्लान्स के साथ अवेलेबल है। MTS MTech के प्रीपेड वर्जन की कीमत है 5,499 रुपए, जिसमें आपको एक महीने में 150 कॉल और 150 SMS किसी भी नेटवर्क पर फ्री मिलेंगे। इसके साथ ही 150 MB का इंटरनेट यूजर्स भी फ्री मिलेगा। वहीं MTS MTech के पोस्टपेड प्लान में आपको 3,499 रुपए देने होंगे। इस पर हर महीने आपका मिनिमम रेंटल 249 रुपए होगा, जिसमें किसी भी नेटवर्क पर 249 मिनट की कॉलिंग और 249 SMS फ्री पड़ेंगे। इसके साथ ही 249 MB तक का इंटरनेट यूजर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेक गुरु रिव्यू मीटर पर MTS MTech को मिलते हैं 3.5 पॉइंट्स। टेक गुरु पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।